Namaskar children. How are you all? I hope you all fine. Step at your home. I'm Nishita Trivedi, your Hindi teacher. Let's start prayer. Join your hand and close your eyes. Start Om Bhur Bhuvah Svah 3 times. Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Priyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Priyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur Bhuvah Svah Tat Savitur Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Santihi Santihi Santihi. Rub your palm fast. Rub your palm, aapko fast karna hai, okay? Now put on your eyes, touch your teeth, and now slowly open your eyes. You enjoy? Yes. First of all, आज मैं आपको कराऊंगी हिंदी की सारी patterns. First topic हमारा क्या है? Pattern. First topic is patterns. तो हिंदी की हमारी कितनी सारी patterns है तभी आपको हिंदी लिखना आएगा. First pattern is standing line. Second is flipping line. Third is slant line, right to left. And fourth is also slant line, left to right. तो आज मैं आपको ये एक्टिविटी कराऊंगी पैटर्न की. कुछ ये चारों पैटर्न है उसकी मैं आपको एक्टिविटी दिखाऊंगी कि आपको कैसे लाइन बनानी है. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट एक्टिविटी. फर्स्ट पैटर्न हमारी कौन सी थी? स्टैंडिंग लाइन. हाउ टू मेक स्टैंडिंग लाइन? स्टैंडिंग लाइन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ आइसक्रीम स्टिक. व्हाट इज दिस? आइसक्रीम स्टिक. तो आइसक्रीम स्टिक से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लंट लाइन. ओके, तो दिस इज अ आइसक्रीम स्टिक. आइसक्रीम स्टिक को हम यहाँ पे रखेंगे स्टैंडिंग लाइन में. हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? खड़ी रेखा. क्या बोलते हैं? खड़ी रेखा. तो आइसक्रीम स्टिक को मैंने यहाँ पे रखा है. फिर एक आप वाटर कलर ले सकते हो. वाटर कलर में आपकी फिंगर डिप करनी है. फिर आइसक्रीम स्टिक के बाजू में आपको लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, तो ये कौन सी लाइन बन गई? स्टैंडिंग लाइन. विच लाइन इज दिस? स्टैंडिंग लाइन. अगेन आई विल ड्रॉ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डीप इन फिंगर इन वाटर कलर एंड ड्रॉ द लाइन अप टू डाउन. ऊपर से नीचे ये आपको रेखा खींचनी है. अप टू डाउन. तो ये आपकी कौन सी लाइन बन गई? स्टैंडिंग लाइन. कौन सी लाइन बन गई है आपकी? स्टैंडिंग लाइन. फिर आप और किस चीज से आप स्टैंडिंग लाइन कर सकते हो? आप ईयरबड से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यू नो. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक ईयरबड्स. दिस इज ईयरबड्स. ओके, डीप इन वाटर कलर. डीप इन वाटर कलर. और ऐसे आप लाइन भी बना सकते हो, डॉट डॉट वाली. ओके, अप टू डाउन.
अप टू डाउन, ऐसे भी आप कर सकते हो। स्मॉल सर्कल सर्कल के ट्रेसिंग वाली लाइन बन गई। देखो ये हमारी, पहले हमने डॉट बनाया, फिर इसके ऊपर हमने ट्रेस कर दिया, तो ये लाइन हमने ट्रेसिंग वाली बना दी। ओके, यस। ईयरबड्स डीप इन वाटर कलर एंड देन ड्रॉ इट अप टू डाउन, अप टू डाउन। विच लाइन इज दिस? दिस लाइन इज स्टैंडिंग गोल। एंड हिंदी में आप क्या बोलते हो इस लाइन को? खड़ी रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं हम? खड़ी रेखा। नेक्स्ट लाइन है हमारी स्लीपिंग लाइन। लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड पैटर्न। सेकेंड पैटर्न इज स्लीपिंग लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक आइसक्रीम स्टिक, अगेन टेक आइसक्रीम स्टिक, दिस इज आइसक्रीम स्टिक। आप कौन सी पोजीशन में रखोगे उसे? स्लीपिंग लाइन। हमारी पैटर्न्स कौन सी है? स्लीपिंग लाइन। तो आप ऐसे यहाँ पे रखोगे पेपर के ऊपर या कहीं भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रखा है, कौन सी पोजीशन में रखा है? स्लीपिंग लाइन मतलब आड़ी रेखा। हिंदी में कौन सी रेखा बोलते हैं इसे? आड़ी रेखा। तो आइसक्रीम स्टिक की मदद से भी आप ये रेखा बना सकते हो। फिर ईयरबड भी आप ऐसे रख सकते हो। ओके, अगर पेंसिल है तो पेंसिल की पोजीशन भी आप ऐसे रख सकते हो। तो ये कौन सी रेखा बन गई है? स्लीपिंग लाइन। दिस इज अ पेपर या कार्ड। ये कार्ड भी आप देखो मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये कौन से पोजीशन में है? स्लीपिंग लाइन। ओके, एंड मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो ये कौन सी लाइन बन गई? फर्स्ट मैंने कौन सी आपको पैटर्न सिखाई थी? स्टैंडिंग लाइन। एंड आप मूव ऐसे कर दो, ऐसे आप मूव कर दो, तो ये कौन सी लाइन बन गई? स्लीपिंग लाइन। ओके, फर्स्ट पैटर्न कौन सी सीखी थी हमने? स्टैंडिंग लाइन। सेकेंड पैटर्न स्लीपिंग लाइन। अब ईयरबड की मदद से आप स्लीपिंग लाइन, मैंने जैसे बोला था ना फर्स्ट पैटर्न में कि ट्रेसिंग करना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। डीप इन वाटर कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयरबड आप किस में डीप करोगे? वाटर कलर में। फिर यहाँ पे आप डॉट वाली लाइन बनाओ, जैसे आइसक्रीम स्टिक है वैसे ही आप ऐसे डॉट वाली लाइन बना सकते हो। ओके, ऐसे मैंने बनाया है, यस। फिर उसके ऊपर आप क्या करोगे? ट्रेसिंग। तो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, फिर उसके अंदर आपको ईयरबड डीप करना है। ओके, फिर ये जो डॉट वाली लाइन हमने बनाई है उसके ऊपर आप क्या करोगे? ट्रेसिंग। क्या करना है हमें? ट्रेसिंग। तो ये कौन सी लाइन बन गई हमारी? स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन? स्लीपिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट पैटर्न इज स्लंट लाइन। विच लाइन? स्लंट लाइन। फर्स्ट पैटर्न हमने कौन से सीखी? स्टैंडिंग लाइन। सेकेंड स्लीपिंग लाइन। थर्ड पैटर्न इज स्लंट लाइन। स्लंट लाइन वो भी हम किससे कर सकते हैं? आइसक्रीम स्टिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसक्रीम स्टिक ले लो आप, फिर फर्स्ट हमने सीखी स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पे आप मूव करोगे तो ये कौन सी लाइन बन गई? स्लीपिंग लाइन। फिर स्लंट लाइन बना है तो हम आइसक्रीम स्टिक कैसे रखेंगे? ऐसे थोड़ा क्रॉस में रखना है। ओके, तो थर्ड पैटर्न हमारी है स्लंट लाइन। ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? अप टू डाउन। और कौन सी साइड से है? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये कौन सी लाइन में मैंने रखी है? कौन से डायरेक्शन में रखी है? राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पेस्ट भी कर सकते हो। आइसक्रीम स्टिक अगर पेस्ट करनी है तो भी आप पेस्ट कर सकते हो। फिर ईयर कलर ईयरबड्स आप वाटर कलर में डीप करो, फिर आइसक्रीम स्टिक के बाजू में आप पेस्ट कर दो। आइसक्रीम स्टिक पेस्ट कर ली, उसके बाजू में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे अप टू डाउन। अप टू डाउन
क्रॉस में, ओके। दिस इज अ स्लंट टाइल, स्लंट लाइन, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट हमारी कौन सी पैटर्न है, अगेन स्लंट लाइन, अगेन स्लंट लाइन, वो भी हम किसकी मदद से कर सकते हैं, विथ आइसक्रीम स्टिक। किसकी मदद से कर सकते हो, आइसक्रीम स्टिक। यहाँ पे मैंने रखा है फर्स्ट कौन से सीखी थी, देखो मैंने यहाँ पे रख दिया स्टैंडिंग लाइन, ओके। दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन, दिस इज अ स्लीपिंग लाइन, ओके। एंड विच लाइन इज दिस, दिस इज अ स्लंट लाइन। एंड कितनी पैटर्न हमने सीखी है, 1, 2 and 3। नेक्स्ट फोर्थ पैटर्न, फोर्थ पैटर्न इज ऑल्सो स्लंट लाइन, आइसक्रीम स्टिक पुट इज देयर। ये सारी सामने सामने हो गई है दोनों स्टिक, ये कौन सा था, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, लाइन राइट टू लेफ्ट। एंड ये भी स्लंट लाइन है, उसको हम कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे आपको रखना है क्रॉस में, ओके, लेफ्ट टू राइट। उसमें भी आप ईयरबड की हेल्प ले सकते हो, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डीप इन ईयरबड्स इन वाटर कलर, वाटर कलर आपको किसमें डीप करना है, सॉरी ईयरबड आपको किसमें डीप करना है, वाटर कलर में। फिर ट्रेसिंग वाली लाइन भी आप बना सकते हो ऐसे डॉट डॉट वाली, ओके। ये कौन सी लाइन हो गई, स्लंट लाइन, कौन सी लाइन हो गई है, स्लंट लाइन। फिर आप दूसरे कलर से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो, दूसरे कलर से आप उसके ऊपर लाइन ट्रेस कर सकते हो, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिया है पिंक कलर, तो ग्रीन के ऊपर मैं पिंक कलर से ट्रेसिंग करूँगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ओके। और आप फिंगर भी उसमें डिप कर सकते हो, फिंगर से भी डिप कर सकते हो, और फिंगर से आप ट्रेसिंग भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। दिस इज अ स्लंट लाइन, दिस अनदर स्लंट लाइन, अब राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, बोथ आर स्लंट लाइन। दिस इज अ स्टैंडिंग लाइन, दिस इज अ स्लीपिंग लाइन, दिस इज अ स्लंट लाइन राइट टू लेफ्ट, एंड दिस इज अ अगेन स्लंट लाइन लेफ्ट टू राइट। इस स्टैंडिंग लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खड़ी रेखा। स्लीपिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, आड़ी रेखा। फिर स्लंट लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछी रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, तिरछी रेखा, ओके। फिर आप ये स्टोन भी ले सकते हो, देखो ये स्टोन कौन सी पोजीशन में है, अभी स्टैंडिंग लाइन भी है और स्लीपिंग लाइन भी है, स्टैंडिंग लाइन में भी है और स्लीपिंग लाइन में भी है। आप घर पे कोई भी चीज़ ले सकते हो, पेंसिल, स्पून, ओके। फिर उसको आप पोजीशन अलग अलग दे सकते हो, स्टैंडिंग लाइन की पोजीशन में रख सकते हो, खड़ी लाइन मतलब स्टैंडिंग लाइन, फिर तिरछी लाइन मतलब स्लंट लाइन में भी आप रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ, ओके। अगेन आई टीच अवर एक्टिविटी विथ स्टोन, ये क्या है, स्टोन है, ओके। तो ये पेस्ट करने वाला स्टोन है, सब आपके पास होगा, ओके। अगर नहीं है तो आप मम्मी की बिंदी से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, देखो पेस्ट कर दूँ, ये कौन सी लाइन बन गई, कौन सी लाइन बन गई है, स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन,
स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट कौन सी लाइन थी हमारी, नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन। कौन सी लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, कौन सी लाइन बन गई है, स्लीपिंग लाइन। खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, उसके बाद हमने कौन सी रेखा सीखी थी, तिरछी रेखा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो ये ऊपर से हमें थोड़ा क्रॉस में नीचे तक ले जाना है, ओके। ये लाइन हमें ऊपर से नीचे तक खींचनी है, लेफ्ट साइड, राइट साइड टू लेफ्ट लाइन, दिस इज द स्लंट लाइन। एंड वन मोर पैटर्न, ओके, अगेन टीच वन मोर पैटर्न स्लंट लाइन। वो हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, दिस इज अ स्लंट लाइन। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, तिरछी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लंट लाइन, अनदर स्लंट लाइन, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पैटर्न विथ एक्टिविटी। थैंक यू।